रोमन रेंस 309 दिन बाद अपना मैच लड़ते हुए नजर आएंगे। AEW के किस सुपरस्टार ने गोल्डबर्ग की विनिंग स्ट्रीक को ब्रेक कर दिया है, रॉकी रेटिंग्स क्या रही और वीर महान को लेकर लव स्टोरी क्या क्या अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है WWE से, सबके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ फेनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शुरुआत करते हैं सबसे पहले रॉकी व्यूअरशिप से। इस वीक रॉकी व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। जैसा कि इस वीक रॉकी एपिसोड में समर स्लैम को लेकर कुछ मैच अनाउंस हुए, वहीं दो सुपरस्टार का रिटर्न दिखा जिसमें केविन ओवंस और लोगन पॉल जैसे बड़े सुपरस्टार शामिल थे। अब इस वीक रॉकी एपिसोड की व्यूअरशिप 1.765 मिलियन रही, वहीं लास्ट वीक की व्यूअरशिप से ये 2% इंक्रीज हो गई थी। लास्ट वीक 1.73 मिलियन रही। शो में कार्मेला वर्सेस बियांका ब्लेयर के बीच टाइटल मैच दिखा था, वहीं लोगन पॉल ने वापसी के बाद मिस पर अटैक करा था, सेथ रॉलिंस का रिडल पर अटैक दिखा और केविन ओवंस के वो शो लेकर के वापसी करते हुए दिखाई दिए थे। ओवरऑल शो की बात करें तो शो ठीक ठाक था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। समर स्लैम में रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच से पहले रोमन रेंस के स्पेशल काउंसिल ने वार्निंग इशू करी है। जैसा कि रोमन रेंस को एज अ यूनिवर्सल चैंपियन 660 डेज यानी कि 660 दिन हो चुके हैं, वहीं अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन के तौर पर रोमन रेंस ने 100 डेज कंप्लीट कर लिए हैं। वहीं उसोस के साथ मिलकर रोमन रेंस अब तक अनस्टॉपेबल हैं। पॉल एमन ने लिखा कि ट्रेंडिंग नंबर वन, फिर उन्होंने रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर दोनों को टैग करा है और आगे लिखा है कि मैं ये नहीं कह सकता ये प्रेडिक्शन है ना ही कोई स्पॉइलर, बट इतना श्योर हूँ कि ये हेल वार्निंग है। अब 17 जून 2022 के स्मैकडाउन के एपिसोड में रिडल के खिलाफ अपना अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल टाइटल रोमन रेंस डिफेंड करते हुए नजर आए थे, जिसके बाद ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस को कन्फ्रंट करा था। उसके बाद WWE ने बिना देर करे इनके बीच समर स्लैम को लेकर मैच अनाउंस कर दिया था। अब बात कर लेते हैं वीर महान के बारे में। जब से वीर महान ने रॉ में अपना डेब्यू करा था, तब से WWE वीर महान को बड़ा डोमिनेट दिखा रही थी। एक के बाद एक उन्होंने काफ़ी सारे सुपरस्टार को मसला, जिसमें जॉबर भी शामिल थे। वहीं पिछले कुछ वीक से ऐसा लग रहा है कि WWE ने वीर महान पर ध्यान देना बंद कर दिया है और इससे साफ है कि वीर महान को लेकर WWE के पास कोई प्लान्स नहीं है। वहीं हाल ही के रॉ के एपिसोड में WWE ने वीर महान को लेकर एक बड़ी हिंट दी, या यूं कहूँ कि कुछ स्टोरी लाइन टीज करी है, जिसमें फ्यूचर में उनको रोमांटिक स्टोरी लाइन में डाला जा सकता है। रिसेंट के रॉक के एपिसोड में बैकस्टेज वीर महान सहारा स्क्राइबर के साथ दिखाई दिए थे, जहां उन्होंने उनके पास जाके स्माइल पास करी और इसके बाद मिज ने कहा कि शायद वीर को सहारा पे क्रश हो गया है। अब WWE के पास वीर महान को लेके कोई अपोनेंट नहीं है। अब मेरी WWE से यही कंप्लेंट है कि ये इंडियन सुपरस्टार को रोमांटिक एंगल में ही क्यों दिखाया जाता है। खली को भी दिखाया गया था, फिर शेंकी को रिंग अनाउंसर के सामने नचकैया बना दिया, अब वीर महान को सहारा के साथ देखते हैं क्या होता है। अगर ऐसा है तो WWE इंडियन टैलेंट को बर्बाद कर रही है। अब बात कर लेते हैं AEW सुपरस्टार की, जिन्होंने गोल्डबर्ग की अनडिफीटेड स्ट्रीक को ब्रेक कर दिया है। AEW में जेड कारगिल नाम की एक सुपरस्टार ने अपना डेब्यू नवंबर 2020 में AEW में किया था। करंट में उनकी विनिंग स्ट्रीक 34 मैचेस की हो चुकी है। हाल ही में उन्होंने 29 जून 2022 को अपना मैच जीता था। कारगिल TBS चैंपियन है। कारगिल पिछले 501 दिनों से AEW में कोई भी मैच नहीं आ रही हैं और उन्होंने इस मामले में गोल्डबर्ग की WCW में रही 462 डेज यानी कि 462 दिनों की अनडिफीटेड स्ट्रीक को तोड़ डाला है। वहीं अगर उन्हें WWE की आस्का की अनडिफीटेड स्ट्रीक को तोड़ना है तो उन्हें 914 दिन यानी कि 914 डेज तक अनडिफीटेड रहना होगा। गोल्डबर्ग और जेड कारगिल को पॉल वाइट, जिन्हें आप बिग शो के नाम से जानते हैं, उन्होंने कंपेयर करा। वहीं बात कर लेते हैं मिस्टर समर स्लैम के बारे में। रिसेंट में सेथ रॉलिंस ने समर स्लैम में होने वाले रिडल के खिलाफ मैच को लेकर बातें करी। लंबे टाइम से दोनों के बीच चल रही फ्यूड में फाइनली WWE ने रॉक के एपिसोड में इन दोनों के बीच मैच अनाउंस कर दिया। सेथ रॉलिंस का समर स्लैम का रिकॉर्ड शानदार रहा है। वो अभी तक समर स्लैम में केवल 2 मैचेस ही हारे हैं, जिस वजह से सेथ रॉलिंस ने खुद को एक नया निकनेम दिया है, मिस्टर समर स्लैम। उन्होंने कहा कि मुझे साल के इस समय के लिए एक नया निकनेम मिला है। आपको मेरे सारे निकनेम पता ही हैं, खास तौर से साल के इस टाइम के लिए मुझे किंग ऑफ समर बुलाते हैं, क्योंकि मैं बिना किसी सवाल के मिस्टर समर स्लैम हूं।
उन्होंने रिडल को लेकर कहा कि मैं समर स्लेम में रिडल के खिलाफ भी वही चीज करने वाला हूं जो मैंने इजिकल के साथ करी। मुझे लगता है ये थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि मैं रिडल के दिमाग को मैट पर नहीं फैला सकता क्योंकि उनके पास दिमाग ही नहीं है, वह बेवकूफ है। यदि उसे लगता है कि उसके पास सेथ रॉलिंस के खिलाफ मौका है तो वो गलत है। अब बात कर लेते हैं अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन ट्राइबल चीफ यानी कि रोमन रेंस के बारे में। आप सभी को बता दूं, जैसा कि समर स्लैम काफ़ी नज़दीक आ चुका है और उससे पहले आखिरी रॉ का एपिसोड 25 जुलाई 2022 को होगा और ये शो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में होता दिखाई देने वाला है। अब जाहिर सी बात है WWE ने मेडिसन स्क्वायर गार्डन के इस एपिसोड के लिए रोमन रेंस को एडवर्टाइज करा है। रोमन रेंस की वापसी रॉ के एपिसोड में होती दिखाई देने वाली है। अब ये शो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाला है तो WWE चाह रही है कि इस एपिसोड को कुछ खास बनाया जाए, डिफरेंट बनाया जाए, इसलिए WWE ने इस बात को अनाउंस कर दिया है कि रोमन रेंज रॉ के इस एपिसोड में दिखने वाले हैं। अब जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि समर स्लैम से पहले आखिरी रॉ का एपिसोड है तो रोमन रेंज अपने समर स्लैम के अपोनेंट ब्रॉक लेसनर को यहां से स्ट्रांग वार्निंग देते हुए नजर आएंगे। मैं आप सभी को बता दूं, रोमन रेंज लास्ट टाइम रॉ पर हमें 4 अप्रैल 2022 के रॉ के एपिसोड में दिखाई दिए थे जहां वो एज अ अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन एंटर होते हुए दिखाई दिए थे। ये रेसलमेनिया 38 के बाद का एपिसोड था। वहीं रॉ के एपिसोड को लेकर के रोमन रेंज से जुड़े कुछ प्लान्स निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन और अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस यानी कि उसोस का मैच 6-man टैग टीम मैच में रिडल और स्ट्रीट प्रॉफिट्स के खिलाफ होता दिखाई दे सकता है। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि मेन शो में होगा या ऑफ ईयर होने के बाद होगा। अब रोमन रेंज हमें रॉ के ऑफ ईयर में भी काफी सारे मैचेस लड़ते हुए दिखाई दे चुके हैं लेकिन मेन शो की बात करें तो रोमन रेंज आखिरी बार 20 सितंबर 2021 को रॉ के एपिसोड में मैच लड़ते हुए दिखाई दिए थे। अब रोमन रेंज ने इस शो में 2 मैचेस एक ही एपिसोड में लड़े थे। पहले मैच में रोमन रेंज और उसोस ने कॉफी किंगस्टन, बिग ई और जेवियर वुड्स यानी कि न्यू डे को हराया था। इसके बाद रोमन रेंज ने ट्रिपल थ्रेट मैच में बिग ई और बॉबी लैशले को मात दी थी। उसके बाद से रोमन रेंज ने अब तक रॉ में कोई भी सिंगल मैच नहीं लड़ा है यानी कि कोई भी मैच नहीं लड़ा है। अब 309 दिन बाद ऐसा होगा यानी कि 10 महीने बाद ऐसा होगा कि रोमन रेंज आने वाले रॉ के एपिसोड में मैच लड़ता हुआ दिखाई देंगे, वो भी मेडिसन स्क्वायर गार्डन में। तो फ्रेंड ये थी AEW और WWE से जुड़ी कुछ अपडेट्स जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।